वाहे गुरु चार जुलाई
1799 ईस्वी नूं गुरु अर्जन देव महाराज अते माता गंगा जी दा आनंद कारज होया सी। जलंधर जिले दे विच फलौर तहसील दे विच पिंड पैंदा है, पिंड दा नां सी मौ, उह मौ पिंड मौ साहिब बन गया सी। मौ साहिब दी धरती ते गुरु पंजवें पातशाह जी दा आनंद कारज होया। आनंद कारज होए नूं 6 साल हो गए, पर घर विच संतान नहीं है। ते वड्डा भरा बड़ा कुछ नूं बट दिंदा, कहिंदा की होया जे मेरे बाप ने मेरा हक मार लिया, गुरु रामदास ने मेनू पंजवां गुरु नहीं बनाया, तो हुण जिहड़ा पंजवां गुरु बन के बैठा इहदे घर बच्चा ही नहीं पैदा होना, तो हुण छेवां गुरु ते फिर मेरा पुत्त बनेगा ना। बाबा मेहरबान, बाबे मेहरबान नूं छेवें गुरु वजों वह अपने मन अंदर कुड़ारियां ला रहा सी। पर जदों उहदे कन्नी खबर पई कि माता गंगा गर्भवती है ते इहनां दे घर बच्चा पैदा होण वाला है, बाबा बुढ़ा साहब ने अरदास कीती आ ते बाबा पृथ्वी चंद, माफ करना सत संगत, मैनूं बाबा शब्द वर्तना पै रहा, स्टेज की मर्यादा है, स्टेज की मर्यादा मुताबिक मैं पृथ्वी चंद वास्ते बाबा शब्द वरतांगा, क्योंकि गुरु रामदास जी का साहब ज्यादा है। असल मैंने विचोड़ियां करतूतां शायद कंजरां नूं भी मात पाउंदियां, सब तो वड्डे तों वड्डे बदमाशां नूं मात पाउण वालियां उहदियां हरकतां हन। उहने किड्डी वड्डी माड़ी हरकत करन वास्ते मन विच संकल्प लिया, कहिण लगा गुरु अर्जन दे घर बच्चा तां पैद पैदा तां होएगा जे गुरु अर्जन दी घरवाली जिंदी रहेगी, जे मैं अपनी भाभी नूं जिउंदी रहण दियांगा, मैं गुरु अर्जन दी पत्नी नूं अपनी वड्डी भरजाई नूं अपनी छोटी भरजाई नूं कत्ल करवा दियांगा। माता गंगा जी दा कत्ल करवाउण वास्ते पृथ्वी चंद ने बड़ियां चालां चलियां, पर कामयाब नहीं होया। आखिरकार गुरु की बड़ाली की धरती दे उत्ते 15 जून 1595 ईस्वी नूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अज वाला ओह खुशियां दा दिन बख्शिया। 428 साल पहलां गुरु अर्जन देव महाराज के घर एक साहबजादा प्रगट होया, वह साहबजादा जिन्हों आप सची सरकार पीरी पीरी वाले सतगुरु अकाल तख्त वाले गुरदेव महान सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के नाम नाल याद करते। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्रगट होया, पृथ्वी चंद हाले हिम्मत नहीं हारिया, कह लगा की होया मैं अपनी भरजाई का कतल नहीं करवा सकिया, तो फिर मैं अपने भतीजे का कतल तो करवा ही देंगा, अपने भतीजे को भरवा देंगा छोटे जे बच्चे का कतल करने वास्ते। पृथ्वी चंद कितना गिर जाता है, बच्चे तो दुश्मन के भी होण वह भी प्यारे लगते हैं, बच्चों के नाल तो हर कोई मुहब्बत करता है, पर एदा गिरिया इंसान है। इन्हें फतो नाम की एक दाई को पैसे दिते, कह लगा फतो अपनी छाती को जहर मल ला ते मेरे भतीजे को दुध पिलाउणा, अपनी छाती का जहर उहदे अंदर जो प्रवेश को करवा लेंगी तो तेन होर धन दौलत देंगा, जब मेरा भतीजा जहर न मर जाएगा तो तेरे मैं मनसब दूने कर देंगा। ताई फतो अपनी छाती को जहर ला के साहबजादा हरगोबिंद साहब जी को दुध चुकाने वास्ते जाती है, तो साहबजादा जी ने दुध में मूँह नहीं लाया, छाती में मूँह नहीं लाया, तो लंबा समा बीतने के बाद छाती के उत्ते लग्या हुआ जहर छाती के राही असर कर जाता, तो फतो मर जाती है, तो साहबजादा चढ़ती कला में, तो फतो मरती मरती दस जाती है। माता गंगा जी को कह लगी मां यह सारी करतूत तेरे जेठ दी सी, पर मैं अन्याई मौते मर गई हाँ, यह सारी करतूत तेरे जेठ दी सी। पृथ्वी चंद का मूह काला होया, चारे पासे तोए तोए होई, लोगों लड़न तो पाते हैं पर कि गिरिया इंसान है वह फिर भी हिम्मत नहीं हारता। एक बगाले को कहता है तू तमाशा दिखा लेना है, एक सप नूं लिजा के मेरे भतीजे दे कोल छड़ दे, जहरीला सप मेरे वो कुछ दिनों के भतीजे नूं लड़ जाएगा, मेरा भतीजा मर जाएगा तो मेरे कालजे नूं ठंड पै जाएगी। सत संगत, वह सप गुरु महाराज जी ने नैणा दे नूर सच्चे पातशाह दे साहबजादे नूं कोह नहीं सकिया, वह सप भी मर गया। तो बगाला बड़ा कलपिया कि यह सप तो मेरी रोजी रोटी सी, तो मेरी रोजी रोटी सी, उहने भी दुनिया दे विच दस दिता कि यह भी सारी करतूत बाबे पृथ्वी चंद की सी। पृथ्वी चंद हाले भी नहीं हिम्मत हारिया, तुसीं हैरान होवोगे कि किड्डा ढीठ है, पर फिर भी उहनूं बाबा कह रहे, बाबा पृथ्वी चंद। गुरु रामदास साहब जी का वड्डा साहबजादा है ना, आपां चार साहबजादों नूं अरदास भी याद करते हैं। असल मैं 10 पातशाहियां दे 22 साहबजादे हुए, 2 साहबजादे गुरु नानक देव जी दे, 2 साहबजादे गुरु अमरदास जी दे, 2 साहबजादे गुरु अंगद देव महाराज जी, 2 साहबजादे जिहड़े ने उह तीसरे पातशाह दे, 3 साहबजादे चौथे पातशाह दे, 1 साहबजादा पंजवें पातशाह दा जिन्हां दा आपां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे। बाबा पृथ्वी चंद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा सक्का ताया लगदा है, कहिण लगा भतीजा जिउंदा नहीं रहना चाहीदा,
जिन्हें करके जूदा मेरे प्राण जी अग लगी है उन्हें खड़ावे हो गया दही दे जहर पिला दे ते जहर वाला दही खुआ दे तो फिर मेरा भतीजा मर जाएगा। संत संगत वो दही कुत्ते को पाया गया कुत्ता भी मर गया शर्म दे मारा खड़ावा भी मर गया पर मरदा मरदा वो भी दस गया कि यह भी कारनामा बाबे पृथ्वी चंद है यह भी कारनामा उसे है। एक आम कहावत है परमात्मा किसी की इज्जत ना उतारे बंदा कौन होंगे किसी को बेपत करने वाला जिस पत रखा सच्चा साहेब नानक मेल ना सका कोई जिन्हें बदले परमात्मा कितने बाल नहीं पंगा होंगे जिसका साहेब डाटा हुए जिसनों मार ना सका कोई पृथ्वी चंद संत संगत शर्म का मारा अपने सोहरे के पिंड चला जाता हेरा ते उन्हों पता लगता है कि मेरे भतीजे को माता निकल आई है चेचक की बीमारी हो गई माता निकल आई है वो जब शीतला निकली ना बहुत लोग फांडे करवाते ने बहुत लोग डाली करवाते ने गुरु अर्जन देव जी को आख्या गया तुहाडे इकलौते पुत्र को चेचक की बीमारी चिबड़ गई है ते याद रखना उस मौके चेचक की बीमारी का इलाज पे नहीं होता जो कि बीबिया ने लड़ पैना ना तो एक दूजे को कहना तेरे न्याण में चेचक हो जाए इदा दिन गल् कर दी सन सत संगत चेचक की बीमारी का उदो इलाज कोई नहीं होता जब चेचक की बीमारी हो गई तो पृथ्वी चंद को चा चढ़ गया कह लगा हूं तो कम परमात्मा ने आप ही सूत्र कर दिता हूं मेरा भतीजा मर जाएगा। संगत ने पंजे पातशाह ने गलबात की कह लगे पातशाह पुत्र की जान खतरे में है शत्रु कह लगे नहीं सतगुरु साचे दिया भेज जो अकाल पुरख ने भेजा हो कौन ले जा सकता है उन्होंने कौन मार सकता है जिन्हें बारे गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं जन्मिया पूत भगत को बिंद का हम जो रब का भगत है तो उन्होंने कौन मारेगा सतगुरां ने कहा सी परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भरना ये बन मारन आया है यह दुखा मुसीबत का अंत करन आया है ये पूरे संसार के टुकड़े हरन वास्ते आया है। पहले पातशाह कह लगे संगत जी मेरे पुत्र ने इन जालम लोगों के हथों से की वे वे हुक्मरान हाकम लोग फौजा लैके आने हथों भी नहीं मरेगा मेरा पुत्र सदा अमर रहेगा मेरे पुत्र को मारन वाले मर जाएंगे मारन वास्ते आने वाले मसले जाएंगे पर मेरा पुत्र हमेशा अमर रहेगा। पंजे पातशाह ने अपने साहबजादे के बाबत जेड़े अखर कहे उन्होंने अखरों कोटे की तरज उत्ते ला के ज्ञान स्वरूप सिंह कड़ियाणा का पंथ ढाडी दिता क्यों पेश करता पंजवें गुरु की संगत नूं आखदे
बहुत लंबा संघर्ष सिख कौम ने लड़िया, बड़िया मुसीबत
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਦਾਈ ਫੱਤੋ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੜਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਆਂ ਨੱਪੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਬੀੜ ਲਿਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨਾ ਪਿੰਗੂ ਛੱਡੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੰਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬਣਾਨੂ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੰਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਐਪਰ ਸੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਕਲੇ ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਕਲੇ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੀਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਲ ਦਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
अकाल कुंडा है जिथे जिथे अकाल तख्त साहब है। यह अकाल तख्त वाला पावन वेड़ा उदो अकाल तख्त साहब नहीं सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी का अंतम अरदास वाला साहिब पाठ का भोग इस वेड़े दे विच पिया। अकाल तख्त साहब वाला जिहड़ा हुण वेड़ा आपां वेखदे हां दो निशान साहब दे बिल्कुल सामने, मैनूं यकीन है कि तुसीं लगभग सारिआं ने दरबार साहब अते अकाल तख्त साहब दे दर्शन कीते होणगे। जिन्हां ने नहीं करे मैं उन्होंने अपील करांगा कि कुल संसार के उत्तों पूरियां सात संसारां दे विचों, सात संसार है ना, जिवें एशिया है, अरब है, यूरोप है, अमेरिका समूह है, साउथ अफ्रीका है, आस्ट्रेलिया समूह है, इस सात समूहों के विचों पूरे संसार के विचों एक एदां दी पावन धरती है जिहदे बारे गुरबाणी दे विच लिखिआ जिथे सबे थाम नहीं तुतजे है किते वक्त मिले तां तूं दर्शन करके आए। अकाल तख्त साहिब वाला जिहड़ा पावन वेड़ा उस वेड़े विच पंजवें पातशाह जी का भोग पिया, अंतम अरदास होई ते हुण गुरगद्दी दीआं रस्मां निभाईआं जाणीआं। गुरगद्दी दीआं रस्मां निभाउण दे टाइम बाबा बुढ़ा साहब जदों सेली लैके आए, माला लैके आए, ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहिंदे बाबा जी जिन्हां नूं तुच्छे खाने विच कर दिओ, सेली ते माला तुच्छे खाने विच रख दिओ, असीं ते खड़ग पहिणनी आ, असीं ते तेगां पहिणनी आ। सेली की हुंदी है ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲੀ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੇ ਸੇਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਗ ਪਹਿਨੀ। ਸੇਲੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਿਮਰਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸੇਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੇਲੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਲੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇਗਾ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਛੰਦ ਆ, ਢਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਗਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Thank you.
Thank you.
सतगुरु साहब नूं कहिंदे दादा तेरी पग दे सामने भारत दे प्रधानमंत्री दी पग सोहणी नहीं है। ते इह वी याद रखना, इह नहीं कि जहांगीर उदों वाले दी गल कर रहे हैं, हुण भी कर रहे। जहांगीर चाहे उदों वाला ते चाहे हुण वाला, जहांगीर दी पग साडे गुरु दी पग तों सोहणी नहीं है। चाहे तो मर चुके विचों आपां गल करिए, चाहे वो साबका हो चुके विचों गल करिए, सतसंगत सारिया के सारे जिन्हें राजा दियां पगां ने वह साडे गुरु की पग तो सोहनी पगां वाले नहीं हो सकते। गुरु की पग बड़ी उची है, इस पग नूं हाथ पाउणा कईआं ने चाहिया पर रुण गए। एक निकल के शब्द कह लिया, मैं बहुत दीवाना कहना यूट्यूब के उत्ते तुसीं बहुत सानू सुनदे हो, मैं तुहाडा कर्जदार है। हो सकता तुसीं इह गल पहलां भी सुनी होवे, मैं अक्सर कह दिंदा कि बाबे नानक दे कर मत्था टेकण वाले बणो, बाबे नानक दे कर मत्था लाउण वाले ना किते बणो, बाबे दे कर मत्था लाउण वाले ना बणो। जिहने इस पग नूं हथ पाया उहदा रिहा कख नहीं, उहदे सत संगत सत्यानाश हो गया, उहदियां कुलां डुब गईआं, उहनां दीआं पीढ़ियां दीआं पीढ़ियां तबाह हो गईआं। मैं इस पासे बहुता विस्तार ना करदा होया ढाडी कलां दी इक सुंदर बंदगी आप जी दी सेवा च होर कहण लगा। जदों गुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह जी ने अमृतसर सरोवर की खुदवाई शुरू करवाई, अमृतसर सरोवर तैयार किया जाना, सरोवर पुटिया जा लग पाया। तो जो हम टोआ वा पुटना है तो सुभावक मिट्टी तो निकलनी है ना, वो जी मिट्टी सी गुरु रामदास साहब जी ने एक पासे ढेरी लगवानी शुरू कर दी, तो मिट्टी बहुत निकली तो वह ढेरी एन उच्चा अंबार अटारी बन गई। वो अटारी जड़ी सी जो गुरु रामदास साहब जी ज्योति जोत समा गया, वक्त आ गया गुरु अर्जन देव महाराज का, पंजवें पातशाह जी ने दरबार साहब की कार सेवा शुरू करवाई। आप जो दरबार साहब जाने ना, आप कहने घर गुरु रामदास, आप सारे कहने गुरु रामदास का घर है। जो कि मेरा ख्याल तुम बच्चा बच्चा जानते होने हैं, दरबार साहब का नीह पत्थर पंजे पातशाह ने रखवाया, शाह मियां मीर वर्गे महापुरखों को सत्कार दिता। तो गुरु अर्जन देव जी ने नीह पत्थर रखने को लैके संपूर्णताई तक महान सेवावान कमाईया। फिर दरबार साहब को आप गुरु अर्जन देव का घर क्यों नहीं कहते, उन्होंने कदम भी नहीं आप कहते पंजे पातशाह का घर है, आप कहने गुरु रामदास का घर है। असल क्यों गुरु अर्जन देव जी का नाम क्यों अलोप हो गया? सच्चाई यह है कि दरबार साहब का बहुत लंबा समा प्रबंध बाबे पृथ्वी चंद और संतान के कोल रहा है। बाबा पृथ्वी चंद कहता सी पंजवा गुरु मैं है, मैनू आखो पंजवा पातशाह बाबा पृथ्वी चंद। गुरु अर्जन देव का घर ना कौन है? संगत ने पृथ्वी चंद का नाम प्रवानी ना किया। फिर पृथ्वी चंद कहता चलो ठीक है, जे तुसी मेरा नाम नहीं लेना तो मेरे छोटे भरा का नाम लेना भी बंद करो, बापू के नाम नाल जोड़ दो। इन कह लो गुरु रामदास का घर है। सतसंगत फर्क कोई नहीं पैदा, चाहे वह गुरु नानक का घर कह दो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का घर कह दो, गुरु गोबिंद सिंह का घर कह दो, पर इतिहास की घड़ी तुम दसी आ कि उन्होंने गुरु अर्जन देव का घर नाम कहा जाए। यह सारी कारशकानी बाबे पृथ्वी चंद की। बाबे पृथ्वी चंद का मुंडा मेहरबान दरबार साहब का बहुत लंबा समा प्रबंधक रहा। उहदा अगे मुंडा सी बाबा हरजी, वह बहुत लंबा चिर प्रबंधक रहा। वह बाबा हरजी अपने आप को सतवां पातशाह कमाउंदा हुंदा सी, अपने आप को सतवां पातशाह कमाउंदा सी, मेहरबान छेवां पातशाह कमाउंदा सी, प्रती जद अपने आप को पंजवां पातशाह कमाउंदा सी। गुरु अज भी कितने थोड़े है, अज भी बड़े गुरु बने फिरते ने। गुरुआं दे बाबत निक्की जी गल कहनी चाहुंदा, गुरु नानक सच्चे पातशाह की गद्दी प्राप्त करने वास्ते बड़े हथ पैर मारे। बाबा श्री चंद भी इस गल तो दोष मुक्त नहीं हो सके, उन्हें भी हाथ पैर मारे। बाबे दासू ने अपनी गद्दी लाई, बाबा दासू गुरु अंगद देव जी का साहबजादा, ते बाबे दातू ने तीसरे पातशाह के सीने जाके लत भी मारी, वह भी दूजे पातशाह का साहबजादा। बाबा मोहन उन्हें चबारा पालिया, तीसरे पातशाह का साहबजादा सी। सतसंगत उन्हें चबारे की पूजा कुरबानी शुरू करती। पर जदों गुरु अर्जन देव महाराज गुरगद्दी के उत्ते बैठे ना, उस तो बाद किसी ने गुरगद्दी का दावा ही नहीं दिखाया, क्योंकि सारे सारे ने मूह बंद हो गया कि भड़के जे गद्दी तो भी आप बहना पिया तो अपने को बैठे नहीं जाना। सारे ने मूह बंद हो गया, जवान को जिंदे लागे कह लगे ना भाई तत्ती तवी से बहना पैदा जो अपने आप को गुरु कहता है। फिर छेवें पातशाह के टाइम गुरगद्दी का कैंडीडेट ही कोई नहीं है, सतवें पातशाह के टाइम फिर उ खरूद मच जाता है, धीरमल वर्गे उठ खड़ते हैं, राम राय वर्गिया ने बड़ा खूब बचाया। पर उदों उन्हां सारिया की जबान बंद हो गई जदों चांदनी चौक में धन गुरु तेग बहादुर महाराज का चौंकड़ा बचिया।
सारे समझ गए कि भड़के कश्मीरी ब्राह्मणा की तरह साढ़े को आ गया भी यार साढ़े को भी सिर फड़ाया जाए पर सारे गाने चुप करके दसवें पातशाह के टाइम फिर कोई रौला नहीं है दसवें पातशाह के टाइम फिर कोई दावेदारी नहीं हुआ आ जो दावेदार ने कलेष भी नाल नाल चल रहा अज के प्रसंग बाबे पृथ्वी चंद होनी उजल आ रहे हैं तो गुरु अर्जन देव महाराज उस उच्ची अंबारी के उत्ते एक छोटी जी कोठड़ी बना ली है वह छोटी जी कोठड़ी बना के दरबार साहब की सेवा कहड़ी कहड़ी संगत करती है कौन टोकरी ढोंदा है कौन जल बरता है कौन आराम करता है कौन कितनी सेवा करता उस कोठड़ी में बैठ के सतगुरु साहब तकदे ते उस कोठड़ी को हौली हौली संगत ने कोठा साहब कहना शुरू कर दिता कोठा साहब अज तुसी जाने हो ना अकाल तख्त साहब के अकाल तख्त साहब प्रवेश करिए मुख दरबार पढ़ के खब्बे पासे एक वड्डा सारा अस्थान है और कोठा साहब कहते हैं कोठा साहब एनी गल कर रहे हैं यह कोठा साहब हम कोठा साहब के बोलने पासे एक बेड़ा है जिन्हों अज आप अकाल तख्त का बेड़ा कहने उदो यह बेड़ा कोठा साहब का बेड़ा होंगे ये कोठा साहब के बेड़े के छेवें पातशाह ने कहा है कि सेली अते माला पोछे खाने रख दो असी तेगा पाउणे मैं अपनी गल इत्थे विश्राम दिता है माला जिहड़ी है माड़ी नहीं माला फिर भी चंगी गल है वाहिगुरू वाहिगुरू जपना बड़ी चंगी गल है वड्डे भाग हुण तां परमात्मा का नाम जपया जाता क्योंकि आखण औखा सचा वाहिगुरू का नाम जपना कितने आसान थोड़ा है जिहदे उत्ते कृपा हुंदी उही बंदा जपदा है एक बार ना असी स्विट्जरलैंड कीर्तन करन गए मैं तुहाडी कृपा नाल इस गुरु की कृपा नाल दुनिया घूमी हुई है तुहानू जिन्ने देशों के नाम आते होने मैं लगभग हरेक मुल्क में अठ अठ दस दस बार गया सतसंगत स्विट्जरलैंड असी कीर्तन करन गए तो एक बंदा मैं कहने लगा कि वाहगुरु वाहगुरू कहने का की लाभ है मैं कहा भी सारा गुरु ग्रंथ साहब तो इसे गल तो आए हैं कि नानक के घर केवल नाम नाम जपना चाहिए तो वो कह लगा भी नाम जपना तो तोता रखनी है मैं क्या तोता रखनी कि आते हैं वो अपने आप बड़ा सियाना सी कहता गनका नाम की एक औरत सी जिहदा किरदार तोता चंगा नहीं सी ते एक फकीर ने उन्हें तोता दिता सी उन्हें राम राम का रटन करवाउंदी करवाउंदी ते वो उदों तो तोता रखनी शब्द पिया मैं क्या फिर तोता रखनी करवाउंदी करवाउंदी और तर गई सी कि डुब गई सी कहता नहीं तर गई सी मैं क्या फिर तोता रखनी माड़ी कि तू कह सकता फिर तो तोता रखनी भी वधिया ही है ना फिर तोता रखनी नूं किवें माड़ा कहता जे माड़े किरदार की औरत तोते राम राम जपाउंदी आप उच्चे किरदार की बन गई उहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब दे विच अदबरल किया गया तो फिर इहदा मतलब इहनूं तोता रखनी नूं असीं किवें माड़ा कह दे नाम जपना बड़ी चंगी गल है सतसंगत पर इत्थे इक शब्द मैं कहना चाहुंदा है कोई बंदा चंगी खुराक खावे बदम खाई जाए घ्यो खाई जाए दुध पी जाए सुके मेवे खाई जाए फल फ्रूट रज के खाई जाए पर काम करे कोई ना तो शरीर को हिलावे ही ना तो याद रखियो चंगी खुराक बीमारिया की पंड बन जाती है चंगी खुराक बीमारिया की पंड बन जाती है चंगा खाने होना फिर एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत चाहिए है ना नाम जपना बहुत उत्तम खुराक है बंदा नाम जपी जाए पर कोई प्योरी पग न हाथ पा ले तो उन्हें दौले फटन नहीं तो फिर तो बीमारिया की भांडी है वह बंदा भोरे च लुके बैठ पे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के ढेरा चल जाए तो बंदा भोरे चो निकले बाबा जी नाम जपते हैं फिर की कहे बाबा जी नाम जपते कि भोरे च फिल्मा वेखी जाते सतसंगत नाम जपने वाले के दौले फटने चाहिए गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहते माला फटके देख ली माला रज के फेर ली खुराक तकड़ी खा ली हूँ तकड़े हो गए हूँ प्रवाह कोई नहीं तो हूँ जालमां का सिर भन्नांगे चंदू के नक में लकेर पावांगे तो गुरु साहब जी जिस जगह बैठे कोठा साहब के बिल्कुल सामने एक थड़ा तैयार करवाने वास्ते गुरु जी ने आख्या कि असी इतने दरगाही तख्त बनाउणा है शाही तखत और दरगाही तखत दोनों के अंतर को समझो एक शाही तखत है जिथे रिश्वत खोरी चलती है मार धाड़ चलती है पट्टी चलती है भरावान का कतल होता है लोगों को मारन के फतवे जारी किए जाते हैं गुरु साहब कह लगे शाही तख्त के बराबर दरगाही तख्त बनावे उस दरगाही तख्त उत्ते सच्चे तो सुचे फैसले हो गए गुरु नानक साहब ने जो कहा कि कच्छ पकाई उथे पाए कच्चे तो सच्चे वखरे कटे जाएंगे
तख्त बनाने लगे हैं। गुरु साहब ने अपने तख्त बनाने का जो फैसला संगत को साझा किया, संगत को बेखौफ होकर कहते हैं इस तख्त उत्ते असीं करना की है, इस तख्त के उत्ते किदां दे कारोबार होया करनगे, की कीता जा करेगा। दरबार साहब का गुरु पिता ने बना दिता, सरोवर जिहड़ा वो दादा जी ने शुरू करवा दिता, ते हुण मैं दादे दा पोता गुरु हरगोबिंद साहिब, हुण मैं बापू दा पुत्तर गुरु अर्जन देव जी दा पुत्तर एक नवा दरगाही तख्त सजन लगा हाँ। उस तख्त का नाम सिखा दा तख्त नहीं होएगा, उस तख्त का नाम गुरु का तख्त नहीं होएगा, उस तख्त का नाम सिख धर्म का तख्त नहीं होएगा, उस तख्त का नाम अकाल का तख्त होएगा, उस तख्त का नाम रब का तख्त होएगा, वह तख्त किसे राजे का तख्त नहीं होएगा, वह तख्त किसे प्रधानमंत्री का तख्त नहीं होएगा, वह तख्त किसे मुख्यमंत्री का नहीं होएगा। अपने आने वाले समय के अंदर जो तख्त बनाने का संकल्प छेवें गुरदेव जी ने लिया, वह संकल्प संगत ने जिन्हें अखरों में संग पाई है उन्होंने अखरों में ढाडी सरमजीत सिंह, ढाडी करमजीत सिंह के सरंगी मस्त गुरचरण सिंह यह बयान करते हैं। Yeah.
गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने ऐलान किया कि इस अकाल तख्त की सिरजना होगी। अकाल तख्त साहब किस तरह बनाया गया, साडे पुरातन ग्रंथों के लिखा हुआ है कि बुढ़ा और गुरदास बनायो और किसी ने हाथ लगायो। केवल तो केवल दो मिस्त्री, एक बाबा बुढ़ा साहब ते एक भाई गुरदास जी, दोनों महान दरवेशी आत्मावां, केवल दो जने को सेवा मिली कि तुसी इत्थे तख्त साहब का निर्माण करना। वह तख्त जिहड़ा सजिया गया वह अज वाले अकाल तख्त वर्गा नहीं सी, याद रखना। उस टाइम छेवें गुरदेव जी के टाइम केवल से केवल थड़ा बनाया गया सी। उस अकाल तख्त का जथेदार भाई साहब भाई गुरदास साहब जी को ऐलाना गया। भाई गुरदास जी तो बाद मीणे लोगों के कोल दरबार साहब का अकाल तख्त साहब का प्रबंध लंबे समय वास्ते आ गया। उस टाइम इसकी मान मर्यादा किस तरीके की चली, यह साडे इतिहास का बड़ा दुखदाई पन्ना है। सत संगत इस पास मैं बहुता ध्यान ना ला के जमा, क्योंकि घड़ी की सोई अपना पंध मकाउंदी जा रही है। तो मैं एक कविता भी होर कहनी चाहना है, शायद समा ना बचा तो तुहाडे कोल माफी मांग लवां। सैकटरी साहब ने तो इशारा कर दिता कि सुना दिओ, पर शहरां दे विच रहण वाली संगत का अपना स्कैड्यूल जिहड़ा हुंदा है, इन्हां ने पूरा एडजस्ट किया हुंदा कि किन्ने बजे की करना, किन्ने बजे की करना है। खैर जे तुहानूं किसे नूं जरूरी काम होया तो तुसीं जा सकदे हो। तो हुण प्रबंधकां ने ते ज्ञानी दलजीत सिंह जी होरां ने इशारा करता, मैं एक कविता कह के तुहाडी असीस दा पात्र बनण दा जतन करदा हां। सत संगत श्री अकाल तख्त साहब जी का जिहड़ा थड़ा, उहदे जथेदार भाई गुरदास साहब बने, उस तों बाद विच लंबा चिर प्रबंध मीडिया दे कोल रहा। उस तो बाद अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहब भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी थापे गए। सरकार जो माता साहब कौर जी ने यह ऐलान किया, नवाब कपूर सिंह तो बाद में सरदार जसर सिंह जी अहलूवालिया साहब सुल्तानपुर कौम वह अकाल तख्त साहब के जथेदार रहे। इन्होंने बड़िया महान सेवावान कीतिया। एक जरा थड़ा बनिया गुरु साहब के टाइम, उस थड़े के उत्ते पहली मंजिल सरदार जसर सिंह अहलूवालिया साहब ने